हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी ही कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज द डे 5 जो 10th क्लास का है और आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू करके और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर आपके 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज द सम ऑफ probabilities of all the elementary events of an experiment। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी अपना जो इंट्रोडक्शन की फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको बताया था कि जब भी प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है उसमें क्या होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल जो आपके आउटकम्स होते हैं अगर उनको मिला दिया जाता है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो ऑलरेडी यही चीज पूछ रहा है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि सम अगर फेवरेबल और अनफेवरेबल को मिलाते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर विल बी 1। ओके, इसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल्स रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप। ओके, ये क्वेश्चन पहले ध्यान से समझेंगे बेटा। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि एक बास्केट में 900 एप्पल्स रखे गए हैं। यहाँ पर हम लोग एक बास्केट बना लेते हैं और मैं आपको बोलती हूँ कि ये एक बास्केट है जिसमें बहुत तरह के यहाँ पे एप्पल्स ही मानिए इसको 00। ज्यादा अच्छी ड्राइंग मेरी नहीं है बेटा। तो आप ये मान लीजिए कि इस बास्केट में 900 एप्पल्स पड़े हुए हैं तो टोटल आउटकम्स आपको पता चल गया है। हमारा टोटल कितना है, हमारा 900 है। ठीक है, तो उसमें ये बोलता है कि जो टोटल एप्पल्स है वो आपके नंबर ऑफ एप्पल्स 900 है, लेकिन रोटन एप्पल्स जो है, रोटन होता है बेटा जो आपके गंदे या सड़े हुए बोलते हैं एप्पल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो वो ये बोलता है कि जो रोटन एप्पल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 0.18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल्स की है आपकी 0.18 की, मतलब टोटल में से टोटल आपकी क्या है, 1 है और 0.18 आपकी क्या है कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप हाथ डालें और जो एप्पल आप खरीदते हैं या आप उस बास्केट में से निकालते हैं कि वो गंदा हो। तो इन दैट कंडीशन बेटा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि आपके रोटन एप्पल्स कितने हैं उस बास्केट में। तो इन दैट कंडीशन आपको पता है कि आपकी यहाँ पर रोटन एप्पल की पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पर 0.18 है। अगर आप उसे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी से, टोटल नंबर ऑफ एप्पल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 162। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 162 है तो ये आपका आंसर है आपके कौन से एप्पल्स का, रोटन एप्पल्स का। ठीक है, कि आपकी गलत गंदे एप्पल जो है वो ये होंगे। अगर आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, रोटन एप्पल्स गंदे कितने हैं, 162 है बाय 900 हो जाएगा। अगर आप इसको कट करते हैं तो ये आपका 0.18 आंसर आता है। क्लियर है आपको कि आपने कैसे निकाला रोटन एप्पल्स की। अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितने होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर ऑफ आपकी जो फेवरेबल या अनफेवरेबल जिसकी भी पॉसिबिलिटी है वही चीज मिल जाती है इन केस ऑफ नंबर्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपका बोलता है कि 17 क्वेश्चन में है कि दो डाइस एक साथ फेंके गए हैं। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है टोटल आउटकम्स जो होते हैं अगर आप बात करते हैं टोटल आउटकम्स ऑफ टू डाइस की। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आई थिंक आपको सेकंड डे या थर्ड डे में ये बना के भी दिखाया था पूरा। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो जाके देखिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो डाइस के आउटकम्स की बात करते हैं तो वो 6x6 होता है, दैट इज कॉल्ड 36 आउटकम्स होते हैं टोटल। ठीक है, वो ये बोलता है कि लेकिन हमें उसमें से क्या चाहिए बेटा, हमें डबलेट चाहिए। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर का एक से दो बार आना, एक साथ आना। ठीक है, क्योंकि दो डाइस है और डबलेट का मतलब है डबल हो जाना, मतलब एक ही नंबर का दो बार आना। ठीक है,
तो डबलेट्स आपको पता है, अगर सिर्फ डबलेट्स की बात करते हैं कि भाई एक डबलेट जो होते हैं इसमें वो कौन कौन से होते हैं, पहले डाइस में वन आए और दूसरे में भी वन आए, ठीक है। अगर पहले में टू आए तो दूसरे में भी टू आए, अगर पहले में थ्री आता है तो दूसरे में भी थ्री आता है, पहले में फोर आता है तो दूसरे में फोर, फाइव फाइव एंड सिक्स सिक्स, ये आपकी फॉर्म्स है डबलेट्स की, अगर सिर्फ बात की जाती है डबलेट्स की। लेकिन उसने डबलेट्स के साथ एक कंडीशन और लगाई है कि वो नंबर डबलेट्स तो होना चाहिए लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वन वन है ये आपका ऑड है, तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा, ये हमारे लिए यूजफुल है। टू टू आपका क्या है, इवन है, तो नॉट यूजफुल। उसके बाद जो आपका थ्री थ्री है वो डबलेट है और ऑड भी है, तो ये भी यूजफुल हो गया। ये इवन है और फाइव फाइव भी यूजफुल है। तो आपको क्या मिले, यहाँ पर आपकी तीन ऐसी पॉसिबिलिटीज है बेटा जो आपके दोनों जो बातें हैं उसको फिलफिल करती है कि डबलेट भी है और ऑड भी है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, जो पॉसिबिलिटी है आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आपके थ्री आउटकम्स है अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके दो डाइस के, 36। तो 3/36 दैट इज कॉल्ड 1/12 आपका आंसर आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या जा रहा है और उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। होपफुली आप मेरे सेशंस एंजॉय कर रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। जिस बच्चे ने प्लीज मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट नहीं मिलेगी और आपकी जो चैप्टर की कंटिन्यूटी है वो टूट जाएगी। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है, बिलीव मी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है कि बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में आपको कुछ दिए हुए हैं, वो बोलता है कि दीपिका हैज अ डाई whose six faces such the numbers 111257, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 इफ द डाई इज थ्रोन वंस, ओके। तो उसने ये बोला कि दीपिका जो है वो खेल रही है एक डाइस से, तो उनके पास जो आउटकम्स आते हैं वो 1 1 1, देन उसके बाद आपका 2 5 एंड 7, ये उनके आउटकम्स आते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, दीपिका ने एक डाइस फेंका और उसके ने 6 बार वो डाइस फेंका है, तो उसके आउटकम्स क्या आए हैं, 1 1 1 2 5 7 आए हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ये हमारे कितने हुए टोटल आउटकम्स हुए, क्योंकि उसने 6 बार फेंका और हमें पता है कि 6 बार क्या हुआ, उसके अलग अलग नंबर आए, ठीक है। उसके बाद वो ये बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वन नंबर, अगर उसको एक नंबर चाहिए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो आप ये देख रहे हो कि एक आने के चांसेस कितनी बार है, 1 2 और 3 बार चांस है, तो ये इसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेवरेबल जो हुए आपके कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि 3 बार वन आ सकता है और टोटल आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके 6 हो गए, तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 1/2 आंसर आपका आ जाता है। तो 18 जो है आपका क्या है, 1/2 आपका आंसर आ जाता है। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू।